नहीं सारे गाने बलकर थोड़ी होते हैं, छठ पूजा के गाने बलकर थोड़ी होते हैं, वो भी तो भोजपुरी ही होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अश्लीलता आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हर लोग अश्लील है कहीं ना अपना प्राइवेट ये में, हर कोई उस तरीके का देखते हैं, शो करते हैं तो हर कोई है, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। वो भी सही नहीं रहता है, गाना भी नहीं सही रहता है, गाना भी नहीं सही रहता है। ये हम भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ही अश्लीलता पर गाना आ गया है आजकल। आजकल का पहले का जो फिल्म जो था ना, भोजपुरी हो या हिंदी हो, है तो उसमें इतना मनी का अश्लीलता नहीं रहता था, एकदम सिंपल गाना रहता था। नमस्कार, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में ये बातें रखी गई हैं कि भोजपुरी गानों में अश्लीलता होती है, ऐसे गानों को बैन कर देना चाहिए और जो इन्हें बनाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं राजधानी के लोगों से, लड़कियों से जो ऐसे गाने सुन नहीं पाती, असहज महसूस करती हैं, क्या सच में ऐसे गानों पर बैन लगाना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। तो भोजपुरी गाना नहीं सुनती हैं? नहीं, कभी कभी। क्यों नहीं सुनती हैं? बस ऐसे ही नहीं सुनते हैं। क्यों, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब है या फिर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वल्गर लगता है थोड़ा? नहीं, सारे गाने वल्गर थोड़ी होते हैं, छठ पूजा के गाने वल्गर थोड़ी होते हैं, वो भी तो भोजपुरी ही होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। छठ के गाने सुनती हैं भोजपुरी? हाँ बिल्कुल, छठ तो हमारा कल्चर में बिल्कुल सुनते हैं। लेकिन ऐसी बातें रखी जा रही है कि भोजपुरी गानों में अश्लीलता होती है और उन्हें बैन करना चाहिए? सारे गाने में तो नहीं होती है ना, जो अश्लील गाने होते हैं उन्हें बैन करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बॉलीवुड में भी होता है। तो वही तो, भोजपुरी को स्पेसिफिक क्यों किया जा रहा है? लेकिन अब उसको टारगेट किया जा रहा है, उसमें उसकी क्या गलती है? सारे गाने बलकर थोड़ी होते हैं, छठ पूजा के गाने का बलकर थोड़ी होते हैं। आइए हम यहाँ कुछ और लोगों से बातें करते हैं। भोजपुरी गाना सुनते हो आप? नहीं, उतना प्रीफर नहीं करते हैं सुनना। बिहार से हैं? हाँ बिहार से हैं। तो भी तो सुनते होंगे, क्यों नहीं सुनते हैं? लेकिन अगर कोई कोई सुनते हैं, जैसे कोई अच्छा गाना रहता है तो सुन लेते हैं। क्यों, ऐसा लगता है कि भोजपुरी गानों में अश्लीलता होती है? हाँ होती है, ऑब्वियसली अश्लीलता तो होती है। बैन कर देना चाहिए? बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब बैन तो करना ही चाहिए और सुधार करना चाहिए। हमारे जो भी मतलब हमारे नेटिव सॉन्ग है और इसमें सुधार करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, सेंसरशिप लगाना चाहिए गानों पे। हाँ आइए हम कुछ और लड़कियों से जानते हैं कि उनका क्या मानना है। भोजपुरी गाना सुनते हैं आप? जी नहीं। बिहार से हैं? हाँ। फिर भी नहीं सुनते हैं? नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं? अच्छा नहीं रहता इसलिए नहीं सुनते हैं। क्या अश्लील रहते हैं? हाँ उसमें ज़्यादा अश्लील रहते हैं। अकेले में भी नहीं सुनते हैं कभी? नहीं कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं सुने, जस्ट बिकॉज वो अश्लील होता है। हाँ लेकिन सारे गाने तो अश्लील नहीं होते हैं ना, छठ के गाने हो गए या फिर कुछ ऐसे गाने, होली के गाने हो गए। छठ के गाने ठीक है, मगर होली और बाकी नॉर्मल तो बहुत ही ज़्यादा ही खराब होते, इसलिए नहीं। होली के गाने भी? होली के गाने भी। जाति धर्म को दिखाता है ऐसा कहा जा रहा है बजट सत्र में कि जाति धर्म को दिखाता है ये जो भोजपुरी गाने हैं। सही है, अब तो हम सुने नहीं तो कैसे बता सकते कि दिखाता है कि नहीं। भोजपुरी गाना सुनते हो आप? बिहार से है ना? है लेकिन नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते हैं? ऐसे ही। ऐसे ही क्यों, मतलब कुछ तो रीज़न होगा, अश्लील लगता है? नहीं, हर गाना तो वैसे होता नहीं है और कुछ अच्छा भी लगता है। लेकिन ये बातें रखी जा रही हैं बजट सत्र जो अभी चल रहा है कि भोजपुरी गाने जो ऐसे अश्लील होते हैं जिसमें जाति और धर्म को दिखाया जाता है, पक्षपात किया जाता है, उन्हें बैन कर देना चाहिए? नहीं है, बैन कर देना चाहिए? नहीं मतलब गाना बनाना चाहिए, गाना बनाना चाहिए लेकिन मतलब ज़्यादा वियर्ड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वल्गर नहीं बनाना चाहिए ताकि हम लोग भी सुन सके, हम लोग भी सुन सके। मतलब ज़्यादा हो जाता है टाइम, ऐसा होता है ना कि फैमिली के साथ देख पाते हैं नहीं सुन पाते हैं, तो वैसा नहीं हो, वैसा हो कि मतलब सब कोई एक साथ मिल करके हम लोग सुन सके। कोई ऐसा भोजपुरी गाना जो आप पूरे पक्षपात किया जाता है उन्हें बैन कर देना चाहिए? नहीं है, बैन कर देना चाहिए? नहीं मतलब गाना बनाना चाहिए, गाना बनाना चाहिए लेकिन मतलब ज़्यादा वियर्ड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वल्गर नहीं बनाना चाहिए ताकि हम लोग भी सुन सके, हम लोग भी सुन सके। मतलब ज़्यादा हो जाता है टाइम, ऐसा होता है ना कि फैमिली के साथ देख पाते हैं नहीं सुन पाते हैं, तो वैसा नहीं हो, वैसा हो कि मतलब सब कोई एक साथ मिल करके हम लोग सुन सके। कोई ऐसा भोजपुरी गाना जो आप पूरे फैमिली के साथ सुन सकते हो? कभी नहीं पता, कोई नहीं। छठ का नहीं सुना? छठ पूजा नवरात्रि का सॉन्ग, बहुत सारे सॉन्ग है जो सुना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जो फिल्म्स के सॉन्ग होते हैं वो कभी नहीं सुना पूरी फैमिली के साथ? कोई कोई ऐसे सॉन्ग है जो सुना जाता है, जैसे खेसारी लाल का घर रेलू परिवार वाला सॉन्ग होता है, ये सब भी सुना जाता है। लेकिन फिर भी अश्लीलता है भोजपुरी गानों में?
अश्लीलता आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हर लोग अश्लील है कहीं ना अपना प्राइवेट ये में हर कोई उस तरीके का देखते हैं शो करते हैं तो हर कोई है लेकिन वो प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं मतलब फैमिली के ये में तो कैसे गलत भी नहीं कह सकते और अच्छा भी नहीं। बॉलीवुड में भी तो होते हैं ऐसे गाने। हाँ उसमें भी होते हैं लेकिन बजट सत्र में भोजपुरी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? जी मैं तो ये सुनी नहीं हो तो इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। भोजपुरी गाना सुनते हैं भैया? हाँ सुनते हैं। अश्लील लगता है सुनने में? गाना अच्छा नहीं रहता है सब जैसे तैसे गाना आ रहा है। ये बात कही जा रही है बजट सत्र में कही गई है कि अश्लील गाने जो आते हैं भोजपुरी में उन्हें बैन करना चाहिए और जो लोग इन्हें बनाते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सही है? सही है करनी चाहिए। हाँ करना चाहिए। गाना एक को सही नहीं निकल रहा है सब जैसे तैसे गाना सुनिएगा तब ना समझ में आएगा। लेकिन गाने अश्लील होते हैं या जो वीडियोज आते हैं जो शूट किए जाते हैं? वीडियो भी सही नहीं रहता है गाना भी नहीं सही रहता है। गाना भी नहीं सही रहता है। क्या क्या कहेंगे भैया बजट सत्र में ये बात रखी गई है कि भोजपुरी गाने जो होते हैं वो अश्लील होते हैं जो इन्हें बनाते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और इन गानों को बैन करना चाहिए। कार्रवाई करना चाहिए बैन करना चाहिए कर देना चाहिए। क्यों? लेकिन गंदा गाना गाता सही नहीं है। घर की महिलाएं जो हैं आपकी बेटी बहू वो लोग नहीं देख पाते हैं नहीं सुन पाते हैं? आप सुनते हैं? नहीं हम आप भी नहीं सुनते हैं? नहीं। जा रहा है बजट सत्र में कि भोजपुरी गानों में अश्लीलता होती है जाति और धर्म को दिखाया जाता है तो ऐसे गानों को बैन कर दिया जाएगा। ये हम भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ही अश्लीलता पर गाना आ गया है आजकल का। पहले का जो फिल्म जो था ना भोजपुरी हो या हिंदी हो है तो उसमें इतना मन का अश्लीलता नहीं रहता था एकदम सिंपल गाना रहता था कि सभी को अच्छा लगे समझे बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी को अच्छा लगा। और आदमी हम जो है ना कि पुराने ही गाना सुनते हैं कोई भोजपुरी नहीं सुनते हैं इसलिए वो सुनने लायक है ही नहीं। तो मतलब जो ये बात रखी गई है कि ऐसे गानों को बैन कर देना चाहिए वो बिल्कुल सही है? हाँ बैन कर दीजिए वो एकदम अच्छा रहेगा। वो कर देना तो चाह करके आदमी सुनता था है। और आजकल का होली जो है ना एकदम होली का गाना जो बनाता है लेखक हो निर्देशक हो कोई जो भी डायरेक्टर हो प्रोड्यूसर हो जो भी हो लेकिन आजकल का गाना ये होली में नहीं चलता। जैसे कि नवरंग था फिल्म था फिर इसके बाद में जिस देश में गंगा बहता है ये सब जो फिल्म जो था ना नदिया का पार ये सब गाना भोजपुरी जो है ना कि आज के भी डेट में जो है ना कि कहीं भी बसता है ना तो थोड़ा रुक करके आदमी सुन लेता है लेकिन आज आजकल के नहीं सुनता है ये सब। सब मदर इंडिया का गाना हो गया है संघर्ष का गाना हो गया कोहिनूर का गाना था होली में है बहुत आसने 1982 मने के 73-72 की बात बतला रहे हैं और 73 में आप 2023 में कितना फर्क है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है ना तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये ठीक नहीं है। आइए हम यहाँ कुछ और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भोजपुरी सुनते हैं? सुनते हैं गाना। हाँ कैसे गाने सुनते हैं भोजपुरी के? अच्छा रोमांटिक गाना सुनते हैं। ऐसा नहीं लगता कि भोजपुरी गाने बहुत अश्लील होते हैं? हाँ अश्लील तो होता है। फिर भी सुनते हैं ना पवन सिंह का गाना सुनते हैं। तो पवन सिंह के गाने अश्लील नहीं होते हैं? क्या चीज़ जो अच्छा लगता है जो सुनते हैं। तो मतलब ऐसी बात कही जा रही है कि जो गाने अश्लील होते हैं या फिर जो जाति और धर्म को दिखा रहे हैं वैसे गानों को बैन कर देना चाहिए और जो इन्हें बनाते हैं उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या सही है ये? हाँ बात सही है बिल्कुल सही है करना चाहिए लेकिन कोई मान्यता ना जितना शादी है सरकार कह रही है ना तो सरकार ही काम करेगी आगे। सरकार कहाँ काम कर रही है यही पे बजट जाता है तो कहाँ कुछ रोक देता है थोड़ा। तो ये तो अभी के जो बजट सत्र में ये बात रखी गई है ना तो इस पे तो अब आगे में कार्रवाई होगी। हाँ तो होना चाहिए एकदम बिल्कुल होनी चाहिए बिल्कुल। जितना भोजपुरी गाना सुनते हैं आप? समटाइम्स। कैसे गाने? जैसे पवन सिंह का एक फेमस गाना है तू लगावे लो जब लिपस्टिक लाइक इस टाइप का। हाँ अच्छा कभी इस गाने को अपनी बहन या फिर किसी अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ सुना है? बहुत सारे फीमेल फ्रेंड मेरे साथ में सुनी हैं यस तो वो उनके साथ ऐसा सीन नहीं हुआ कि वो अनकंफर्टेबल हुई हो थोड़ी? नहीं उनका देखो कंफर्टेबल आप गाने सुन करके नहीं हो सकते अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल आपके साथ रहने वाले लोगों से आप हो सकते हो ठीक है। अगर आप मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो और अगर गाना कुछ भी बजे तो हाँ कभी कभी ऐसा होता है आप अपने बहन के साथ कुछ उस तरह गाने नहीं सुन सकते हो तो और वो क्या कर किया जा सकता है। आजकल के लोगों का आजकल के जो जनरेशन है वो इस टाइप का गाना पसंद कर रहे हैं और ऐसा निकाल रहे हैं लोग। हालांकि इस पे विरोध होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता रहती है गानों में। हाँ एक टाइम था भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अच्छे अच्छे गाने निकलते थे जैसे लाइक रवि किशन जब इंडस्ट्री में थे
मनोज तिवारी हो, अनकम्फर्टेबल हो, और अगर गाना कुछ भी बजे तो हाँ कभी कभी ऐसा होता है आप अपने बहन के साथ कुछ उस तरह गाने नहीं सुन सकते हो तो, और वो क्या कर किया जा सकता है आजकल के लोगों को, आजकल के जो जनरेशन है वो इस टाइप का गाना पसंद कर रहे हैं और ऐसा निकाल रहे हैं लोग, हालांकि इस पे विरोध होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता रहती है गानों में। हाँ एक टाइम था भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अच्छे अच्छे गाने निकलते थे, जैसे लाइक रवि किशन जब इंडस्ट्री में थे, मनोज तिवारी हो गए, तो उस टाइम में एक अच्छा अच्छा सॉन्ग निकलता था। ऐसा नहीं भोजपुरी गलत है, लेकिन आज उसे गलत बना दिया गया है लोगों के बीच में, उस एक मतलब माइंडसेट ऐसा आ गया है कि हाँ भोजपुरी इट मीन्स वो गलत ही होगा, अश्लील ही होगा, बट कुछ गाने अच्छे भी हैं। तो मतलब ऐसा है ना कि कहा जाता है कि महिलाएं जब ये गाना सुनती हैं लाइक, तो मतलब किसी के सामने वो नहीं सुन पा, बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं। पार्टी सॉन्ग्स होता है जैसे आप हिंदी गाने में भी देख लो, बहुत सारे पार्टी सॉन्ग्स होते हैं, उसमें भी कुछ कुछ जैसे मुन्नी बदनाम हुई या ऐसा कुछ, तो वो पार्टी सॉन्ग्स वो एक थीम पे ही बेस होता है, आप एक मतलब हर टाइम में वो इस तरह गाना नहीं सुन सकते हो, जब आप ऐसे मूड में होते हो तभी आप ऐसे गाना सुन सकते हो। तो ये जो बात कही गई है कि इन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे गाने बनाते हैं और ऐसे गानों को बैन करना चाहिए, वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, अगर बहुत ज़्यादा अश्लीलता वो समाज को एक अलग लेवल पे लेके जाती है तो उस तरह के गाने नहीं निकाले तो ज़्यादा अच्छा होगा।